एक जांच होनी चाहिए। पार्टी ने इसको संसद में क्यों नहीं उठाया? जब जब हम मामले संसद में उठाना चाहते थे तब तो इनकार करते थे। आपको याद होगा कि विष्णु भागवत जी का मामला हमने संसद में उठाना चाहा, उन्होंने हमें उठाने दिया नहीं दिया। और खुद सुखराम के मामले में दो हफ्ते संसद नहीं चल पाई क्योंकि ये खुद मामला उठाना चाहते थे और फिर उसी सुखराम को इन्होंने फिर गले लगा दिया। तो मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने कल भी कहा था, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब हमने कारगिल पे डिस्कशन चाही तब भी इन्होंने कहा हम डिस्कशन नहीं करने देंगे। तो शुगर के मामले में कहते हैं हमें डिस्कशन करना चाहिए था। जब हम डिस्कशन करना चाहते हैं तब कहते हैं हम डिस्कशन नहीं होने देंगे। तो चलो खैर, उन्होंने स्वीकार तो किया। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये किस किस्म की इंक्वायरी बिठाएंगे। अगर इन्होंने जैसे रिव्यू कमेटी बिठाई है which is really a whitewash, वैसी इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं? उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगी, ये भी उन्होंने नहीं कहा। तो ऐसा ना हो कि कल प्रधानमंत्री जी कह दें कि स्लिप ऑफ द टंग। क्योंकि याद है मैंने कल एक इशू रेस किया था परसों कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था और ये हिंदू में रिपोर्ट भी हुआ था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंट का ऑफिस, राष्ट्रपति जी का ऑफिस मिसयूज किया है और सरकार गिराई। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने नहीं कहा। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी कह दें आज तो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, कल कह दें मैंने ऐसा कहा नहीं था, या प्रमोद महाजन जी कह दें कि उनकी स्लिप ऑफ द टंग थी। तो उनको ये साफ जाहिर करना चाहिए, साफ देश की जनता को बताना चाहिए कि कैसी जांच करवाएंगे, किस किस्म की जांच करवाएंगे, उसके सवाल जांच में कौन कौन से सवाल लिए जाएंगे जिनका जवाब देना होगा, किस किस्म की जवाब जांच होगी, कौन लोग बिठाए जाएंगे, इन हाउस जांच होगी, घर में ही बैठ के जांच होगी, एक नॉन स्टैट्यूटरी जांच होगी ताकि रबर्ट जो है वो अपने घर में ही रहे होगा। हम तो चाहेंगे कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जब भी कोई बात आती है कांग्रेस पार्टी के बारे में तो झट से प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी वाली कहते हैं जल्दी से सौंपा जाए सीबीआई को। तो हमें भी जरा मौका दीजिए आपको कहने का कि आप भी सीबीआई को करवा लें। वो तो हम मानते हैं, हमें नहीं पता कि आपके मन में क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट कभी जांच नहीं करवा सकता। आई विल टेक इफ नेसेसरी इफ द गवर्नमेंट डिनाइज इट आई विल गिव यू सम नेम। भाई देखो, ऐसा टीएक्सआई वीट वाज 770 रुपीस अ क्विंटल, but this wheat at 720 also was not sold because it is relatively poor quality wheat and most of it has turned powder. ऐसा है कि देखिए, ये तो सब आप लोग कुछ भी माने, हमें ये खबर है, हमें ये खबर है कि मतदाता ने बड़ी बहुमत से कांग्रेस को वोट डाला है। आप इसको लो बोलो हाई बोलो कहीं कुछ भी बोलो, डाला कांग्रेस को है। लेकिन ऐसा जनरली होता रहा है, एक मिनट, हाँ पक्का मान लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता रहा है कि जब सरकार का जबरदस्त तरीके से विरोध होता है तो उस समय वोट परसेंटेज काफी बढ़ता है। अच्छा, ऐसी बात है तो मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में वो वाइप आउट हो गए क्योंकि वहाँ वोट परसेंटेज 65% है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, 65% है तो मानते हैं वो कि वो वाइप आउट हो गया आंध्र में, महाराष्ट्र में वो 57% है, मान गए वो वाइप आउट हो जाए, कर्नाटका में भी 55% के ऊपर है तो मान गए वो वाइप आउट हो गए। देखिए ऐसा है, हम मतदाता का मन जानते हैं, हमें
खबर आ जाती है। तो देखिए यहाँ दिल्ली का सवाल है, बसंत कुंज जैसी कॉलोनी में जहाँ के कारगिल इफेक्ट ये सोच रहे थे मैक्सिमम होगा, परसेंटेज ऑफ वोट था 4%, ठीक है ना। तो जो इनके पक्ष में लोग अक्सर वोट करते थे वो घर से निकले ही नहीं, और जो झुब्बी झोंकड़ी वाले थे उन्होंने वोट डाला। लो टर्नआउट तो हुआ क्योंकि इनके पक्ष के लोग निकले ही नहीं, लेकिन माना जाता है कि क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद फिर लोग टर्नआउट ना ना, वो तब तक बारिश हो गई, बारिश तो 4:30 बजे हो गई ना। तो ये हिसाब किताब है, अब इनको सब मालूम है क्योंकि इनको खबर इनको भी मिल चुकी है। अच्छा, ये बल्लारी में जो है बहुत आप सामना, आज देखिए बंबई में सामना में खबर ये निकली है कि शरद पवार जी वहां दंगा कराना चाहते हैं, ये ऐसी खबर सामना क्यों देगा। अच्छा, ये बल्लारी में बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन हुआ था, उसके बावजूद वहां पे जो वोट का परसेंटेज रहा वो 60% रहा, वो ज्यादा नहीं रह सका, क्या आप मानते हैं? साहब मैंने कल भी जवाब दिया, बेटी को उन्होंने अपने घर भेज दिया और बहू को वो रखेंगे अपने यहाँ, अब इससे आगे आपको क्या कहूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट एनी थियरीज, वी हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द इंफॉर्मेशन इज वी आर विनिंग हैंड्स डाउन, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू ऑल दिस, द रिजल्ट्स विल टेल यू इन अक्टूबर, इन अर्ली अक्टूबर। All these theories, all these posters will have been proved wrong, because this is all media hype, and these are all, this is all to influence the voter when you are facing a defeat. All this has not worked. All this Kargil, this able leader, all this media hype. The people will not be